जब जब आप काम सीखते हो खुद ही, 2 months के आप इंतजार मत देखो, 26 days में कंपेयर कर लो, 20 days में कंपेयर करो, फिर आगे बढ़ो, समझे। ऑलरेडी जिंदगी के इतने साल तो वेस्ट करे, और आपके वेस्ट ना हो, 2 months भी वेस्ट ना हो, तभी आप कंपेयर करके जब आप सीखते रहते तो आप में कॉन्फिडेंस रहता कि किस डायरेक्शन में जा रहा आपका कैरियर, आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही। जब आप यहां से सीख के निकलेंगे तो आप अपना फ्यूचर को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हम बोलते कि भाई सीखने आप कोर्स खत्म होने से पहले ही 5 interviews अटेंड करना आप, तो आपकी कैपेबिलिटी आपको मालूम होती कि आपको जॉब मिलता है या नहीं मिलता। सिर्फ खाली ऐसे ही आप 22 months का कोर्स मत ज्वाइन करो, पहले 6 days अटेंड कर लो, क्या सीखने को मिला देखो, 3 days में क्या सीखने को मिला, 6 days में क्या सीखने को मिला, 20 days के बाद क्या सीखने को मिला। तो कई सारे लोग जो कई साल से काम कर रहे हैं, इंडिया भी इंटरनेशनल भी, आपके फ्रेंड्स में, आपके जान पहचान में, आप अपनी जो भी 20 days में सीखते वो लोग 10 साल से काम करने, तो अपनी नॉलेज को उनसे कंपेयर करके देखो फिर आगे बढ़ो। ये वीडियो डालने का मकसद एक ही है कि आप लोग यहां आओ, इसका ये मकसद नहीं है। आपको 1% भी डाउट है तो आप मत आइए, और जो दुनिया के डिग्रीज करना चाह रहे हैं, और जो कोर्सेस करना चाह रहे हैं, और जितना काम करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैरियर नहीं बना सके, ग्रो नहीं हो सके आप, तब आप आइए, आपको यह कोर्स बेनिफिट देता। आप इंडिया में जॉब करना चाह रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जॉब करना चाह रहे हैं, आप अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक वैकेंसी, एक 10 से 15 वैकेंसी सर्च कर लो, उसके अंदर कंपनीज वाले मेंशन कर देते हैं रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी, आपको ये काम करने आना, ये आपको रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी रहेंगी, ये जिम्मेदारी, ये वर्क स्किल, ये नॉलेज रहना आपके पास, ये सॉफ्टवेयर करने आना, तो आपको जॉब देते बोलते। आप 1 से 10-15 वैकेंसी सर्च कर लेंगे इंडिया के और इंटरनेशनल, तो आपको मालूम हो जाता कि आपको अकाउंटेंट से लेकर फाइनेंस मैनेजर पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें कैरियर अपना देखना चाह रहे हैं, तो क्या स्किल रहना चाहिए आपके अंदर। अगर वो सेम स्किल हम सिखा रहे हैं तो हमारे पास सीखो, दुनिया में कोई भी सिखा रहे हैं आप उनके पास सीखो, तो आपका कैरियर बनता है, आप कुछ ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यहां पर क्या होता है, आपको अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक जितना भी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी रहती है वो आपको काम सिखाया जाता है, आपको उसको एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफिकल्टीज कैसे हैंडल करना, वर्क की जगह के वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करना, रिज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू स्किल्स, कैसा ग्रो करना लाइफ में, कैरियर में, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और रियल टाइम डाटा पे सीखते हैं, इंटरनेशनल रियल टाइम कंपनीज के डाटा पे सीखते हैं, और रियल केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। यहां पर हर कंपनी में अगर आप काम करने जाएंगे तो क्या क्या सिनेरियोस रहेंगे, कितने तरह की रिपोर्टिंग रहेंगी, हर तरह की कंपनी में हर तरह के सॉफ्टवेयर पे कैसा काम करना, टैली, पीसी, क्विक बुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो सिखाते हैं। हर तरह के सॉफ्टवेयर पे कैसा काम करना उसकी टेक्निक सिखाते हैं, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, हर तरह की कंपनी में कैसा काम करना, इंडिया में कैसा काम करना, दुनिया की हर कंट्री में कैसा काम करना, आपको ये सिखाते करते। जब रियल केस स्टडीज पे आप काम करते हैं, अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक के पूरे रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज पे जब आप काम करते हैं, तब आपकी स्किल ग्रोथ होती। जब आप किसी कंपनी में जाके काम करते रहते हैं, आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता कि हर तरह की कंपनी में काम कैसा होता, अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर के हर डिपार्टमेंट में काम कैसा होता, आपको एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से आप ग्रो नहीं करते। ऐसे कई सारे रियल टाइम सिनेरियोस डिस्कस करते कंपनीज के डाटा के ऊपर, के अगर ये प्रॉब्लम्स होंगे कंपनी में, अगर अपन एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज होते, उसको किस तरह से मैनेज करना है एज ए सीनियर अकाउंटेंट, एज ए मैनेजर किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना, किस तरह से रिकॉर्ड करना, किस तरह से कितने तरह के रिपोर्ट्स बना के देना, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अलग अलग तरह की कंपनी में काम करे, तो इंडिया में करो काम, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में करो, तो इससे क्या होता, आपका एक डर निकल जाता काम करने का, इंटरव्यूज देने का डर निकल जाता, रिज्यूमे प्रिपरेशन की भी आपको क्लास होती करती, तो जब आप इंटरव्यूज देने जाते करते, सब लोग किसी एक डिपार्टमेंट में काम करके आते हैं वहां इंटरव्यू, और अपने पास से जो सीख के जाते बंदे अलग अलग अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक का पूरा काम सीखे हुए रहते, हर तरह के डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर जितना भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते पूरा काम सीख के जाते, तो इंटरव्यू में पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हर किसी को जॉब लग रहा, यहां पर भी लग रहा, इन दुनिया के हर कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट से लेके मैनेजर ऑडिटर लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे 20-20, 30-30 कंपनी हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग 20,000 से लेके 2-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ऐसा चमत्कार हो रहा, क्योंकि हम ओवरऑल स्किल सीख रहे हैं, लिमिटेड अपने आप को किसी एक डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, ओवरऑल सीख रहे स्किल, उसकी वजह से आसानी हो रही जॉब मिलने के लिए, अपने को इंटरव्यू पास करने के लिए आसानी हो रही, क्योंकि जहां पर भी इंटरव्यू को जाते हैं आप, आपको जितना काम मालूम है बहुत कम लोगों को पता चलता उतना काम। आगे बढ़ना है जिंदगी में, कुछ भी तरक्की करना है तो 2 तरीकों से आप तरक्की करते, एक दूसरों के अनुभव से सीख के आगे बढ़ सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, दूसरा जिंदगी के अपने 25-30 साल की मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल लगा दो, पैसा लगा दो, कोशिशें करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। दो भी तरीके, दो भी डिसीजन आपके हैं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं।